धर्म का अगुवाई मतलब धर्मेश का ऊपर वाला सिंह होगा का दूत। माँ का वो आशीष है, माँ को किसी को मतलब कि भरने मिलता है, भरने मिलता है तो माँ सवार हो जाती है उलोक में, तो माँ वैसा भरनी होते हैं। सरना प्रार्थना सभा का आयोजन रांची के हरमू मैदान में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विशनपुर विधायक चमरा लिंडा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पहला प्रार्थना सभा बाबूलाल मरांडी के सरकार में मोराबादी में हुआ था, जहां पर आदिवासी एकजुट होकर बोले थे कि मोराबादी मैदान में थाना दुकान कुछ नहीं रहेगा। और सुनिए क्या कुछ कहा विशनपुर विधायक चमरा लिंडा। हम सबको ऊपर वाला से इसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम सबको पूरे समाज के साथ तुम आगे ले चलो, ऐसा जरूर करना चाहिए। और सब गण्य माने सब व्यक्ति अगुआ लोग है, सरना धर्म का प्रार्थना सभा का अगुआ सब है, सभी लोग हमारे मुंडा जी टाइटल कंडई साहब हाँ ये धर्म की अगुवाई कर रहे हैं। धर्म का अगुवाई मतलब धर्मेश का ऊपर वाला सिंह होगा का दूत है। धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातों को बोलना, धर्म की स्तुति को करना, अर्थात ऊपर ने भेजा है उसको वो काम के लिए। अदरवाइज सब अपने अपने घर परिवार में अपना खाना खाते हैं, अपना पीते हैं, अपना नौकरी जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, बाल बच्चों के साथ घूमते हैं, वो चला जाता है, कहीं पिकनिक जाता है, मौज मस्ती करता है। धर्म का काम कौन करता है? तो अगर कोई करता है तो उसको ऊपर वाला का विशेष आशीर्वाद ही होता है, तब जाके वो आता है। इसीलिए मैं संजय कुजूर को आपका आने वाला कल का वाकई एक धार्मिक अगुवा मान्यता प्रदान करूंगा। हाँ, 20 सालों से मैं देख रहा हूं, निस्वार्थ ईमानदारी सबसे बड़ी बात होता है। ईमानदारी समाज को उस जगत तक ले जाने के लिए ईमानदारी। ईमानदार अगर नेता नहीं रहेगा, लीडर नहीं रहेगा, अगुआ नहीं रहेगा। अगर धर्मेश ने दे दिया किसी को वो ताकत और वो ईमानदारी नहीं है तो वो समाज डूब जाता है। प्रार्थना सभा का महत्व, हम लोग का आदिवासी में जो सरना समाज में जो पूजा पाठ होता है उसी के बारे हम लोग प्रार्थना सभा रखते हैं। उसमें प्रार्थना सभा में बताया जाता है कि कैसा पूजा पाठ किया जाता है। वो माँ का वो आशीष है, माँ को किसी को मतलब कि भरने मिलता है तो माँ सवार हो जाती है उलोक में, तो माँ वैसा भरनी होते हैं, माँ ही है उसमें जो माँ भरने करती है आदमी। दो साल इसीलिए नहीं हुआ था कि हम लोग का प्रार्थना सभा में तो बहुत जनसंख्या रहता है, बहुत अधिक से अधिक लोग मानते हैं हम लोग, है ना। साल में ये वर्षगांठ की तरह हर वर्ष होता है, साल में एक बार प्रार्थना सभा है जो हर साल, ये भारतीय हर साल बनता था लेकिन कोरोना कारण के कारण 2 साल से नहीं बन रहा था। उसके बाद ये बृहत प्रार्थना सभा आज कोरोना के बाद मनाया जा रहा है और ये हम लोग को एकजुट करने के लिए हर साल मनाया जा रहा है। ये बहुत ही जो आदमी है, कई बहुत दिन बाद हो रहा है तो हम लोग को भी बहुत उत्साह लग रहा है इसमें और बहुत धार्मिक रूप से हम लोग अपना जो संस्कृति है, धार्मिक जो रीति रिवाज है उसको बचाने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।